पाकिस्तानियों को कराची से दुबई जाने के लिए बड़ी सहूलत फिर से मिल गई। पाकिस्तान की मारूफ प्राइवेट फजाई कंपनी एयर ब्लू दुबई से कराची के लिए अपनी परवाजें दोबारा शुरू करेगी। पहली परवाज 15 जनवरी 2022 को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तजारती मरकज के लिए रवाना होगी। एयर ब्लू मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 नए शहरों से हफ्तावार 56 परवाजें चलाएगी। दुबई से हफ्तावार 28 परवाजें, शारजा से हफ्तावार 16 और अबूजहबी से हफ्तावार 12 परवाजें चलाएगी। इस हवाले से यूएई के लिए एयर ब्लू के कंट्री मैनेजर सुहेल शेख ने कहा कि हमने अगस्त 2016 में अपना दुबई ता कराची ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था, ताहम मुसाफिरों की मौजूदा मांग को देखते हुए हम 5 साल से जायद वक्फे के बाद कराची के लिए अपनी परवाजें दोबारा शुरू करेंगे और एयरलाइन की पहली परवाज 15 जनवरी 2022 को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तजारती मरकज के लिए रवाना होगी और मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 शहरों से हफ्तावार 56 परवाजें चलाई जाएंगी, जिनमें दुबई से 28 परवाजें, शारजा से 16 और अबूजहबी से हफ्तावार 12 परवाजें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने मेहमानों के तजुर्बे को मजीद कीमती बनाने के लिए अपने बेड़े और परवाजों को बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद में कायम कैरियर तमाम एयरबस फ्लैट चलाता है, जिसमें A200 to A320 और A21 to 200 समेत 11 तैयारे शामिल हैं। इसने हाल ही में 2 321neo तैयारे अपने बेड़े में शामिल किए हैं ताकि अपने नेटवर्क को मुल्की और बैनुल अक़वामी रास्तों पर चलाया जा सके।